नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट आदि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों को हल करने के लिए एक बेसिक सा बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है 11 इकाई, 11 दहाई और 11 सैकड़े बराबर हैं। ये प्रश्न आपका यूपीटेट 2013 में पूछा जा चुका है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, दहाइयाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 11 इकाई है, फिर दहाई है, फिर सैकड़ा है। तो सबसे पहले हम दहाई लिखते हैं। 11, दहाई का मतलब होता है 10। तो 11 10 करेंगे हम इसको तो हो जाएगा 110। 11 दहाई 110 होता है, ठीक है। फिर आते हैं सैकड़ा, 11 सैकड़ा, दहाई सैकड़ा। पहले यहाँ लिख लेते हैं सैकड़ा, 11 सैकड़ा है तो 11 गुणा 100, 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100, ठीक। इतना समझ में आया, 11 दहाई हो गया और 11 सैकड़े हो गए। अब 11 इकाई लिख लेते हैं, 11 गुणा इकाई का मतलब होता है 1, तो हो जाएगा 11। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं। देखिए 11 से ये है और 11 से ये 110 ये है, तो जोड़ेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर एक अंक एक और एक दो, 2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर तीसरा लेते हैं हम, एक ये हो गया और एक 2 हो गया, 2 और 1 आ गया ये, तो 1221 जो है इनका योग होगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सी सही हो जाएगा, 1221। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,111 रुपये जमा हो गए हैं, यह धनराशि क्या है। यह प्रश्न भी आपका यूपीटेट 2013 में जो है पूछा जा चुका है। तो मोहन ने अपनी माँ से क्या कहा है कि उसने कहा 11,000, तो 11,000 लिख लेते हम सबसे पहले, 11,000, ठीक है 11,000 लिख लिए। अब कह रहा 1100, 1100 भी लिख लेते हैं, 1100, 11 भी लिख लेते हैं यहाँ पर, 1111 इतने रुपए हो गए उसकी गुल्लक में। जोड़ के बता दो कितने हो गए, एक आ गया, ये एक यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 1, 12,111 रुपये। तो 12,111 ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा, 12,111 रुपये ही हो गया आंसर। तो उसकी गुल्लक में कितने रुपए हो गए, 12,111। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये प्रश्न में आपके यूपीटेट 2013 में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर टेट एग्जाम में ये प्रश्न जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2, याद रखना आप, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है मनोज एक पंक्ति में क्रम से प्रारंभ से यानी कि प्रारंभ से 18वां है और अंत से 13वां है, यदि पंक्ति में 6 लड़कियां हैं तो पंक्ति में लड़कों की संख्या बताओ। तो देखिए ये मनोज को हम एक जगह बिठा देते हैं, मनोज ये इधर गया और इधर गया, ये बीच में है। तो वो कह रहा है कि प्रारंभ, ये तो मान लेते हैं प्रारंभ, ठीक है, और ये अंत, अंत से प्रारंभ से जोड़ते हैं तो ऐसे चलेंगे, कितना है प्रारंभ से 18वां, 1 2 ऐसे करके ये 17 आया और ये मनोज हो गया 18वां, ठीक है। इसी तरह कह रहा अंत से 13वां है, ये 1 2 3 आया और ये 12 हो गए और ये 13वां हो गया मनोज 13वां। तो हमको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, देखिए 17 तो ये हो गए 17 और प्लस 1 मनोज हो गया, अब 12 इधर से हो गए प्लस 12, अब भाई 18 तो हमने जोड़ लिया, ये एक इसे एक मान लेते हैं क्योंकि 18वें नंबर पे भी आ रहा अंत से 13वें नंबर पे भी आ रहा, तो एक ही तो है मनोज, 2 तो है नहीं, तो ये मनोज हो गया 1। 17 ये हो गए, 12 ये हो गए, बराबर कितने हो गए 18 व 30 हो गए, 30 टोटल कितना आ गया, टोटल 30 हो गया बच्चों का। अब वो कह रहा है इसमें से 6 लड़कियाँ हैं, तो लड़कियों की संख्या देखिए 30 में से माइनस 6 करेंगे 6 लड़कियाँ, तो लड़के कितने रह जाएंगे 24
24 लड़के रह गए, तो आंसर जो है हमारा बी, 24 लड़के होंगे पंक्ति में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, संख्या दी है, मैं 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, स्थानीय मान निकालना है फिर उनका गुणनफल निकालना है। तो देखिए ये संख्या दी है मेरे को 7, 5, 5, 6, 1 और 0। तो सबसे पहले 5 के जो स्थानीय मान निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, तो 5 तो यहाँ हो ही जाएगा, 1, 2, 3 0 आ जाएंगे, 1, 2, 3 5 का। अब हम 6 का अगर निकालें, 6 का स्थानीय मान, तो 6 यहाँ आएगा, 1 और 2, 2 0 हो जाएंगे। अब इन दोनों का जो गुणा करना है, कैसे करना है, 5000 × 600 गुणनफल बताना है। 600 को गुणा करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 30 हो जाएगा, 30 हो गया, और शून्य कितनी है, 5, 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 0 हुई, तो यहाँ लगा कौमा, 1 यहाँ, कितना हो गया ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख, 30 लाख हो गया उन दोनों का गुणनफल। तो ऑप्शन जो हमारा ये सही हो जाएगा, नहीं 5 है इसमें, इसमें 6, नहीं बी सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन, 30 लाख। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, 10 दहाई, 11 सैकड़ा, 12 इकाई बराबर है, ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले वैसे ही लिख लेते हैं, 11 सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई। पहले लिखते हैं 11 सैकड़ा मतलब 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1100, 1100 क्या। अब कह रहा है कि 10 दहाई, 10 लिखते हैं, 10 × 10 बराबर 10 दहाई 100, 100। फिर कह रहा है 12 इकाई, तो 12 लिखेंगे यहाँ, गुणा कर देंगे, इकाई का मतलब होता है 1, तो बराबर हो जाएगा 12। अब बराबर है किसके बराबर है, तो 11 और एक 1200 12 हो जाएगा, ठीक है, 1100 ये 100 जोड़ेंगे 1200 और 1200 में 12 जोड़ेंगे तो 1212 आंसर। तो ऑप्शन जो हमारा डी सही हो जाएगा इसमें, 1212। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।